जय जिनेन्द्र। अंक शास्त्र के इस सीरीज में मैं सतीश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है अंकों की दुनिया, इसमें हम लोग आज बात करेंगे 7 नंबर, यानी जिस जातक का जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूला यानी उनका ड्राइवर नंबर 7 आता है। अभी 7 अंक की खासियत, पहले तो हम ये देखेंगे 7 नंबर किसको लीड करता है। तो अंक शास्त्र में कहा गया है कि 7 नंबर केतु को लीड करता है, यानी राहु का दूसरा पार्ट केतु। तो ये जो 7 नंबर वाले रहते हैं, ये थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की ओर उनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये कोई भी कार्य करते हैं तो निष्ठा से करते हैं, डिवोशनली करते हैं। इसमें ये लोग ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा फायदा क्या होगा, ये ऐसे सोचते हैं कि आगे वाले का क्या फायदा होगा। तो इनकी जो ये भावनाएं रहती है, एक केतु की भावना रहती है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष कारक है। तो ये जो व्यक्ति है जो 7 नंबर वाले हैं, 16 नंबर हैं या 25 नंबर है, इनमें जन कल्याण की एक भावना रहती है, एक सोशल वर्क की भावना रहती है। अभी डिसक्वालिटी के बारे में बताया जाए तो इनका भी सेम फंडा होता है कि जो 7 नंबर वाले होते हैं, कोई गलत व्यक्ति के संगत में जल्दी आ जाते हैं और उनके गुण जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि केतु है, राहु केतु का मिश्रण है, जैसी संगत है वैसी रंगत होती है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए कि ये डिसक्वालिटी हमारे में नहीं आए, इसके लिए आप केतु का जो रत्न आता है लसुनिया वो पहन सकते हैं, पर ज्योतिष की सलाह से पहनना है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर नहीं रहना है। न्यूमरोलॉजी और पत्रिका का कॉम्बिनेशन लेके स्टोन पहना जाता है। स्टोन के व्यतिरिक्त आप इसका जो जाप आता है ओम केतवे नमः, यानी केतु का जो जप है 5 बार, 16 बार या 25 बार कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि 7 नंबर तो केतु का हो गया, अभी 16 नंबर की केतु का आता है, यानी 1, 6, 7, यानी इसमें इनको 3 ग्रह मिलते हैं, सूर्य मिलता है, शुक्र मिलता है प्लस केतु मिलता है। तो इसमें 2 शुभ ग्रह इनको मिल जाते हैं, सूर्य और शुक्र का। तो ये थोड़े से रसिक भी हो जाते हैं 16 नंबर वाले। फिल्म लाइन में भी मैंने देखा है कि ये लोग ज़्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि 16 नंबर है, 6 नंबर भी आ जाता है और थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावर भी इनमें आ जाता है। फिर आता है 25 नंबर, 25 नंबर में चंद्र आता है और बुध आता है और केतु, यानी चंद्र बुध केतु। तो ये लोग थोड़े से बोल बचन रहते हैं, आगे वाले को कन्विंस करने में माहिर होते हैं, यानी ये जो केतु के कैरेक्टर है थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं व्यक्ति दी, पर जो हम लोग बोले ना कंक्लूजन कि मोटा मोटी कि एक गुणधर्म इस नंबर के वाले के होते हैं। तो केतु नंबर जो है वो 7 का आंकड़ा है, जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है वो केतु के अंडर में आते हैं। उनको केतु के जाप अवश्य करने चाहिए ताकि भविष्य में आपको जरूर जरूर फायदा मिले, सफलता मिले, यही शुभकामना। जय जिनेन्द्र।